अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स आज हम काउंट डाउन बुक सिक्स यूनिट नंबर नाइन एक्सरसाइज नाइन जो है वो सॉल्व करने लगे हैं तो स्टूडेंट्स टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे क्वेश्चन समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाए तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ तो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर नाइन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे बिल्कुल हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले ये कुछ आपको मैथ फ्लैश दिए हुए हैं इनको आपने सॉल्व करने हैं तो आप देखें जी इनके अंदर आपने ये साइन यूज़ करने हैं लगाने हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है तो अब ये देखें अगर हम ट्वेल्व हमने फोर्टी जो फिफ्टी आंसर निकालना है तो अगर हम ट्वेल्व मल्टीप्लाई फ़ोर करते हैं तो 48 एट और आगे प्लस टू करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फिफ्टी आ जाएगा यहाँ पर इक्वल लगाएँगे ओके जी इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम 36 को 9 पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 4 को हम 5 में प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 फिर 9 में 3 प्लस करें तो हमारा आंसर आ जाता है 12 ओके जी फिर हम यहाँ पे बात करें ट्वेंटी ट्वेल्व एट इज़ इक्ल टू ज़ीरो तो अगर हम 20 में से 12 माइनस करें तो क्या आ जाएगा एट और एट में से एट माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा इसी तरह अगर हम सेवेंटीन में फिफ्टीन प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर थर्टी टू आ जाएगा थर्टी टू को हम ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सिक्स फोर्टी आ जाएगा ये एक मैथ फ्लैश था इसको मैंने सॉल्व किया तो अब हम बढ़ते हैं हमने इस चैप्टर में और क्या सॉल्व करने हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अलजबरिक एक्सप्रेशन की एन अलजबरिक एक्सप्रेशन इज़ एन स्टेटमेंट डेट एक्सप्रेस ऑफ अक्वेलिटी बिटवीन टू आर अ मोर एक्सप्रेशन अगर दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वलिटी का रिलेशन हो तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है जी इसकी एक सादा सी एग्जाम यहाँ पे डेफिनेशन है इफ़ टू अलजरिक एक्सप्रेशन आर पुट टू अलजब्रिक एक्सप्रेशन आर पुट टूगैदर विद एन इक्वल साइन इन बिटवीन दे फॉर्म इक्वेशन यानी कि इक्वेशन तब बनती है जब हमारे पास दो अलजबरिक एक्सप्रेशन हो और उनको हम इक्वलिटी से जो है उनको जोड़ दें जैसे फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर्टी तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इसी तरह थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू टू ए प्लस वन ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो हमारे पास यहाँ पे देखें एक रिम्बर दिया हुआ है इसमें क्या है ए बी सी एंड एक्स वाई जी आर आर रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यानी कि हम इनको क्या करेंगे जो भी अलजबरिक एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें अगर ए आ रहा है तो पहले ए वाली वैल्यू, फिर बी वाली फिर सी वाली तो इस तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हम उनको लिखेंगे इसके बाद हमारे पास एक और है कि इक्वेशन में अगर हम दोनों साइडों पे कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों साइडों पे प्लस कर रहे हैं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर एग्जांपल ये देखें हमने इसमें टू जो है ऐड कर दिए तो इधर भी टू ऐड करने से फिर भी बैलेंस रहेगा ठीक है।, है जी इसके बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आएगी अ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ वन वेरिएबल अगर उसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो रेज़ टू द पावर ऑफ वन अगर किसी इक्वेशन के वेरिएबल की पावर वन होगी चाहे वो वेरिएबल वन हो टू हो यानी कि किसी में एक वेरिएबल यूज़ हो रहा हो दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हो या तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हो चार जितने भी हों उनमें जो वेरिएबल की पावर है वो वन होनी चाहिए उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ओके जी तो ये हमारे पास लीनियर की बहुत सी एग्जांपल्स हैं इस यहाँ पे आपने इनको एक बार रीड कर लेना है इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन वो कह रहे हैं कि राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट दी हुई हैं आपने इनकी इक्वेशन बनानी है सबसे पहले आ नंबर इनक्रीज बाय आ फाइव इज़ ट्वेल्व वो कहता है कि एक नंबर है उसमें अगर फाइव ऐड करें तो वो ट्वेल्व बन जाता है तो उसका आंसर यहाँ पे देखें लेट्स नंबर इज़ इक्वल टू एक्स हमने एक एक्स नंबर लिया है उसमें फाइव को ऐड किया तो इज़ इक्वल क्या बन गया ट्वेल्व ठीक है तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है ट्वाइस आ नंबर डिक्रीज बाय थ्री इज़ आ फिफ्टीन वो कहते हैं कि एक नंबर है उसका अगर आप डबल लें उसमें से थ्री माइनस करें तो आंसर क्या बनता है फिफ्टीन तो ये लेट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स ट्वाइस ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू टू एक्स तो टू एक्स में से अगर थ्री को माइनस करें तो आंसर क्या आता है फिफ्टीन तो ये भी एक हमारे पास अलजरे की क्वेश्चन बन गई तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास है सिक्स लेस देन फोर टाइम नंबर इज़ थर्टी वो कहते हैं कि अगर एक नंबर हो उसका फोर टाइम लिया जाए और उसमें से सिक्स को माइनस किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है थर्टी तो यहाँ पे वो ही किया हुआ है लेट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स फोर टाइम ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू फोर एक्स फोर एक्स में से सिक्स को माइनस करेंगे आंसर क्या बन जाएगा थर्टी तो ये भी हमारे पास एक अलजबरे की क्वेश्चन बन गई फिर हमारे पास स्टेट स्टेटमेंट नंबर फोर है वन फिफ्थ ऑफ आ नंबर एडेड टू सिक्स इज़ टेन वो कहता है कि एक नंबर लें उसका वन फिफ्थ लें और उसमें सिक्स ऐड करें तो आंसर टेन आता है तो ये हमारे पास लेट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स वन फिफ्थ हमारे पास तो ये वन बाय फाइव एक्स बन जाएगा इसमें अगर हम सिक्स ऐड करें तो आंसर क्या आता है टेन आता है तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई अब हम पार्ट नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं पार्ट नंबर फाइव में है टू थर्ड ऑफ आ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एट वो कहते हैं कि एक नंबर है उसका टू बाई थ्री लें और उसको एट में से माइनस करें तो आंसर फोर आता है तो हमने क्या किया ये नंबर लिया लेट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स उसका टू थर्ड लेंगे तो टू बाई थ्री एक्स तो एट में से टू बाय थ्री एक्स को माइनस करें तो इज इक्वल क्या आता है फ़ोर आता है इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है जी द कोशन ऑफ आ नंबर वैन डिवाइडेड बाई थ्री अगर किसी नंबर को थ्री पे डिवाइड करें एंड एडेड टू फोर और उसको फोर में ऐड कर दें तो रिज़ल्ट क्या बनता है सेवन बनता है तो ये हमने नंबर लिया लेटर नंबर इज़ इक्वल टू एक्स उसको डिवाइडेड बाय थ्री किया तो एक्स बाय थ्री आ गया अब एक्स बाय थ्री में हमने फोर ऐड किया तो आंसर क्या बन गया जी सेवन ओके जी इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट आती है द सम ऑफ अ टू कंजेक्टिव आर्ड नंबर इज़ ट अब ये देखें कि एक आर्ड नंबर अगर थ्री है तो दूसरा आर्ड नंबर क्या आएगा फाइव आएगा इनमें टू डिजिट्स का डिस्टेंस है यानी कि इनमें एक छोड़कर दूसरा आएगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स नंबर इज़ इक्वल टू हमारे पास एक x है सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस टू फॉर एग्जाम्पल इसको हम अगर कहें ये थ्री है ठीक है तो थ्री से आगे आर्ट नंबर कौन सा आएगा फाइव आएगा तो जहरी सी बात है थ्री में टू प्लस करें तो फाइव आता है तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा x फर्स्ट आर्ट नंबर एंड x प्लस टू सेकेंड आर्ट नंबर तो इन दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आता है ट्वेल्व बनता है ठीक है तो ये फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू ट्वेल्व इनको हमने सॉल्व नहीं करना हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी है लास्ट है हमारे पास इन ट्वेल्व ईयर अमीन विल बी अ फोर्थ टाइम एज ओल्ड एज ही नाव वो कहता है कि अभी अमीन की जो एज है वो बारह साल के बाद जो है वो फोर टाइम हो जाएगी ठीक है तो इसमें हम ये देखेंगे लेट एज इज़ इक्वल टू एक्स और उसका फोर टाइम क्या होगा फोर एक्स तो x प्लस ट्वेल्व जो है वो फोर टाइम के इक्वल हो जाएगी यानी कि आज से 12 साल के बाद उसकी एज जो है वो फोर टाइम हो जाएगी ठीक है जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में वो कहते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करने हैं मैंने आपको बताया है कि आपने एक बार याद रखनी है कि अगर एक चीज़ एक साइड पे प्लस हो रही है इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी अगर एक साइड पे माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि जब भी आप उसको इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यानी कि अपोजिट साइन आ जाएगा ठीक है जी अब ये देखें हमारे पास है जी एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू सेवन तो अब आपने ये टू इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा सेवन माइनस टू इज़ इक्ल टू फाइव आ जाएगा दूसरा पार्ट है हमारे पास थ्री एक्स माइनस वन इज़ इक्ल टू ट्वेंटी थ्री अब ये वन इधर प्लस माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा तो ये ट्वेंटी फोर बन जाएगा अब ये जो थ्री है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू एट आ जाएगा हमारे पास आंसर ओके okay जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर थ्री है पार्ट नंबर थ्री में हमने देखने हैं जी हमने सॉल्व करने हैं इक्वेशन को फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू टू इन टू एक्स प्लस टू तो पहले हम इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से टू एक्स बन जाएगा और टू टू जार फोर बन जाएगा फिर हम क्या करेंगे जी ये फाइव एक्स इधर ही रहने दें ये टू एक्स जो है इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ओके जी और ये सेवन इधर प्लस हो रहा है ये दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे फाइव माइनस टू एक्स क्या रह जाएगा थ्री एक्स ठीक है जी और इधर जब हम फोर माइनस सेवन करेंगे तो हमारे पास माइनस थ्री आंसर आएगा अब ये थ्री इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर डिवाइड होगा तो प्लस माइनस माइनस आंसर आएगा ठीक है यहाँ पे आपने माइनस लगा लेना है थ्री वनजार और थ्री वन झार थ्री थ्री से कैंसिल आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन ओके जी इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जी फाइव एक्स माइनस वन इज़ इक्ल टू फोर्टी फाइव ये वन इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ये फोर्टी फोर क्या बन जाएगा फोर्टी फाइव में चेंज हो जाएगा फाइव एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन ओके जी इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर फाइव है पार्ट नंबर फाइव को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आ, मिस हो गई हैं आपने इन चीज़ों को देख लेना है यहाँ पे थर्टीन है ये मैंने थर्टीन लिख दिया और आगे टी है ठीक है जी ये प्रिंट करते हुए थोड़ा सा मिस हो गया आगे हमारे पास जी इक्वेशन में माइनस है यहाँ पे आपने माइनस लगा लेना है यहाँ पे इक्वल है और इसके बाद यहाँ पे थ्री है ओके जी और यहाँ पे प्लस है और ये हमारे पास टी है अब ये देखें ये फोरटीन जो है इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे हम इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे ओके ये सिक्सटीन प्लस फोरटीन क्या बन जाएगा थर्टी यहाँ पे इक्वल डालें ठीक है और ये हमारे पास जो थ्री टी है ये वाला ये जब इधर लाएंगे तो ये माइनस थ्री टी हो जाएगा थर्टीन टी में से थ्री टी माइनस करें तो टेन टी रह जाता है ठीक है अब ये टेन इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा थर्टी डिवाइडेड बाय टेन क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास थ्री आ जाएगा ओके जी ये हमने सॉल्व किया इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करने हैं जी पार्ट नंबर एट इसमें यहाँ पर हमारे पास थ्री एक्स डिवाइडेड बाय फोर ठीक है जी और माइनस फाइव इज़ इक्वल टू टू एक्स तो सबसे पहले तो आप इस फाइव को इधर प्लस माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फिर आप क्या करें ये फोर इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टू टू ज़ार एट फोर टू ज़ार एट एक्स आ जाएगा और साथ में फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी ठीक है जी ये एट एक्स इधर ही रहने दें थ्री एक्स को उधर ले जाएं तो ये एट माइनस थ्री एक्स हो जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी फाइव एक्स और ये ट्वेंटी जो है इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे लाएंगे तो माइनस ट्वेंटी हो जाएगा फिर हम इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फ़ाइव एक्स इज़ टू माइनस ट्वेंटी ये फाइव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस ट्वेंटी बाई फाइव इज़ टू माइनस फोर ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर सिक्स है थ्री इंटू टी माइनस वन माइनस टू इंटू टू टी प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव इंटू टी प्लस थ्री तो पहले हम थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टी बन जाएगा हमारे पास ये हमारे पास थ्री टी और थ्री वन जार थ्री फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जार फोर अब ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस माइनस फोर टी बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस थ्री टू जर सिक्स बन जाएगा फाइव फाइव को टी से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव टी प्लस फिफ्टीन अब आपने क्या करना है ये टी वाली वैल्यू जो है इनको सेपरेट कर लें थ्री टी माइनस फोर टी इसका आंसर माइनस टी आ जाएगा इसके बाद माइनस थ्री और माइनस सिक्स हमारे पास माइनस नाइन आ जाएगा ये चीज़ ऐसे सेम आ जाएगी अब आपने क्या करना है इस फाइव टी को इधर लाएं तो ये माइनस हो जाएगा और ये नाइन को इधर लाएं तो ये प्लस हो जाएगा तो फिफ्टीन प्लस नाइन हमारे पास ट्वेंटी फोर और माइनस माइनस प्लस माइनस सिक्स टी आ जाएगा ओके जी इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा ये माइनस सिक्स जो है ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड होगा तो प्लस माइनस माइनस फोर आंसर आ जाएगा ओके जी इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका फो फोरटीन इंटू टू टी माइनस थ्री माइनस टू इंटू टी प्लस टू इज इक्वल टू टेन इंटू थ्री टी माइनस फोर आपने यहाँ पर वही सेम काम करने हैं पहले फोरटीन को अंदर मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी एट फिर फोर्टीन को थ्री से करें फोर्टी टू और यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू टी और माइनस टू टू आर फोर आ जाएगा इधर टेन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास थर्टी टी माइनस फोर्टी ओके जी तो अब टी वाली वैल्यू सेपरेट कर लें ट्वेंटी एट माइनस टू टी हमारे पास ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा और फोर्टी टू माइनस फोर माइनस फोर्टी टू और माइनस फोर हमारे पास माइनस फोर्टी सिक्स बनेगा और इधर ये वाली वैल्यू सेम ऐसे ही आ जाएगी अब आपने क्या करना है इस थर्टी टी को इधर से उठाना है यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा ठीक है और ये फोर्टी सिक्स इधर आकर प्लस हो जाएगा फोटी सिक्स माइनस फोर्टी हमारे पास सिक्स आंसर आ जाएगा और इधर हमारे पास माइनस फोर टी आ जाएगा अब आपने ये माइनस फोर जो है ये टी के साथ क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो प्लस माइनस माइनस टू पे दोनों कैंसिल आउट टू थ्री ज़ार टू टू ज़ार तो थ्री बाई टू हमारा आंसर आ जाएगा ओके जी इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री में वो कहता है शेरिन फादर इज़ अ फोर टाइम एन ओल्ड एज शी इज़ वो कहते हैं है कि शेरीन की जो भी एज है उसके पापा जो हैं उससे फोर टाइम उनकी एज ज़्यादा है इन एटीन ईयर्स अठारह साल में ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर यानी कि उनके पापा जो हैं वो डबल हो जाएंगे उनकी एज डबल हो जाएगी फाइंड देयर प्रेजेंट एज उनकी अभी की एज फाइंड करें ठीक है जी तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हम फर्स्ट ऑफ आल क्या करेंगे शेरिन की एज हमारे पास हम इक्वल टू एक्स ले लेते हैं तो हर फादर एज क्या हो जाएगी फोर एक्स हो जाएगी ठीक है क्योंकि फोर टाइम है आफ्टर एटीन ईयर एटीन ईयर के साल के बाद अठारह साल के बाद क्या हो जाएगी अब जहरी सी बात है दोनों की एज में अठारह साल ऐड हो जाएंगे तो शेरिन एज इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एटीन और हर फादर एज इज़ इक्वल टू फोर एक्स प्लस एटीन ठीक है गिवन कंडीशन क्या है अठारह साल के बाद जो फादर की एज है वो शेरन से डबल हो जाएगी तो उनको इक्वल हम तब कर सकते हैं जब शेयरन की एज को टू से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी फोर एक्स फादर एज प्लस एटीन और टू इन टू एक्स प्लस एटीन टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स प्लस थर्टी सिक्स तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स प्लस एटीन इज वल टू टू एक्स प्लस थर्टी सिक्स अब ये टू एक्स इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा और एटीन इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा तो फोर एक्स माइनस टू एक्स टू एक्स आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस एटीन हमारे पास एटीन आ जाएगा अब ये टू इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा तो एटीन डिवाइडेड बाई टू इज़ टू नाइन तो हम कह सकते हैं कि शेरीन एज क्या है नाइन ईयर और हर फादर एज क्या होगी फोर मल्टीप्लाई नाइन इज इक्ल टू थर्टी सिक्स ईयर ठीक है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री था अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आते हैं वो कहते हैं कि आप पूल एक्स मीटर लॉन्ग एक पूल है उसकी टोटल लेंथ जो है वो एक्स है उसको दो हिस्सों में काट दिया गया है ब्रोकन इंटू टू पार्ट्स उसका एक हिस्सा वन पार्ट इज थ्री मीटर उसका एक हिस्सा थ्री मीटर है और दूसरा हिस्सा जो है वो टू एक्स माइनस सेवनटीन है तो आप बताएं कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है यानी कि टोटल लेंथ कितनी है तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है ये हमारे पास एक पूल है इसकी टोटल लेंथ एक्स है ठीक है एक हिस्सा जो है वो टू एक्स माइनस सेवनटीन है और दूसरा थ्री मीटर है ठीक है तो आपको पता है ये दोनों पार्ट्स को अगर प्लस करें तो इज़ इक्वल टू क्या आना चाहिए एक्स के इक्वल आना चाहिए तो हम यहाँ पे वही करेंगे टू एक्स माइनस सेवनटीन प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स ठीक है तो यहाँ पे माइनस सेवनटीन प्लस थ्री हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा माइनस फोर्टीन ठीक है क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बिग टर्म का अब ये 14 इधर क्या हो रहा है माइनस दूसरी साइड पर प्लस और ये x इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आकर माइनस टू एक्स माइनस एक्स इज इक्ल टू एक्स रह जाएगा और ये हमारे पास 14 आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ फिर हमारे पास क्या हुई x इज इक्वल टू फोरटीन मीटर ठीक है जी क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आते हैं वो कहते हैं कि इफ़ आ नंबर इज़ ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय फाइव वी गेट फोर्टी फोर वो कहते हैं कि एक नंबर है उसको हम थ्री टाइम करें ट्रिपल करें और उसमें फाइव एड करें तो वो फोर्टी फोर बन जाता है तो आप वो नंबर फाइंड करें तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे देखें लेट्स नंबर इज इक्वल टू एक्स है इसका ट्रिपल क्या होगा थ्री एक्स थ्री एक्स में हम क्या करेंगे फाइव ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है थर्ट फोर्टी फोर अब ये फाइव इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा फोर्टी फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू थर्टी नाइन अब ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा थर्टी नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इज वल टू थर्टीन तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्टीन ओके जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करेंगे जी ट्विश नंबर एडिड टू हाफ ऑफ इट सेल्फ टू ट्वेंटी एक नंबर लें उसका डबल लें और फिर उसका हाफ़ लें डबल और हाफ़ को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आता है ट्वेंटी आता है तो आप वो नंबर फाइंड करें ठीक है जी तो देखते हैं जी हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है हमने एक नंबर लिया एक्स और उसका डबल लिया टू एक्स और उसका हाफ़ लिया एक्स बाई टू डबल और हाफ को हमने ऐड किया टू एक्स प्लस एक्स बाय टू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए ट्वेंटी अब यहाँ पे हमने इनका एलसीएम लिया एलसीएम आपको पता है इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है ठीक है वन और टू का हमने एलसीएम लिया तो वो टू ही आ गया अब टू जो है वो टू से मल्टीप्लाई होगा टू टूज आर फोर और वन जो है एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आ जाएगा फोर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइव एक्स बाय टू अब ये टू इधर क्या हो रहा है डिवाइड दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ट्वेंटी मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर्टी और ये फाइव इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड फोर्टी डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू एट ठीक है जी तो ये एट जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास वो कहता है कि थ्राइस आ नंबर डिक्रीज बाय फाइव थ्राइस आ नंबर डिक्रीज बाई फाइव एक्सीड्स ट्वाइस द नंबर बाई आ यूनिट फाइंड द नंबर वो कहता है कि एक नंबर लें उस, उसका थ्री टाइम लें और इसमें से फाइव माइनस करें वो इक्वल किसके आएगा अगर उसी नंबर का डबल लें और उसमें वन प्लस कर दें एक्सीड का मतलब होता है ऐड करना ठीक है तो ये हमने यहाँ पर किया ये हमने एक नंबर लिया एक्स उसका थ्राइस लिया थ्री एक्स और ट्वाइस लिया टू एक्स तो थ्री एक्स में हम माइनस फाइव करेंगे और टू एक्स में वन प्लस करेंगे तो ये टू एक्स इधर अगर माइनस हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स रह जाएगा और ये फाइव इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे प्लस होगा तो ये हमारे पास आंसर सिक्स आ जाएगा ओके जी तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी एट है वो कहते हैं कि द सम ऑफा थ्री कंजेक्टिव इवन नंबर इज़ दर्टी सिक्स फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ देम तीन कंजेक्टिव कन्जेक्टिव का मतलब होता है एक साथ आने वाले मसलन टू है टू के बाद सिक्स फोर आएगा फोर के बाद सिक्स आएगा ठीक है तो इस तरह के हमने नंबर लेने हैं तो लेट हम क्या करेंगे जी यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट नंबर है एक्स तो सेकंड नंबर क्या हो गया एक्स प्लस टू जहरी सी बात है अगर टू है तो उससे आगे वाला फोर होगा तो टू प्लस टू क्या होगा फोर फिर उससे आगे वाला हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस फोर क्योंकि अगर टू हम x लें तो फोर को हम x प्लस टू लेंगे और सिक्स को हम क्या लेंगे x प्लस फोर ओके जी इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे एक हमारे पास x प्लस इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर इज़ इक्वल टू क्या बनना चाहिए थर्टी सिक्स तो यहाँ पे देखें x प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स बन जाएगा और टू प्लस फोर क्या बन जाएगा सिक्स अब ये सिक्स इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे माइनस तो थर्टी सिक्स माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू थर्टी अब ये थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टेन तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा टेन होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट हमने फर्स्ट नंबर जो लिया था वो एक्स लिया था बाकी दोनों इससे क्या होंगे ग्रेटर होंगे ओके जी तो अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है वो कहते हैं कि सना इज़ अ सीनियर सना सीनियर है किससे मोना से और कितनी ईयर है एटीन ईयर आफ्टर सिक्स ईयर सना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द मोना यानी कि वो कहते हैं कि सना जो है वो मोना से अठारह साल बड़ी है छः साल के बाद सना जो है वो मोना से डबल हो जाएगी यानी कि उसकी एज डबल हो जाएगी तो बात करते हैं जी इसके क्वेश्चन की तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन ये हमारे पास है जी द लेट हम क्या करेंगे मोना एज वो इक्वल टू एक्स आ गई तो सना एज क्या होगी एक्स प्लस एटीन तो आफ्टर सिक्सटीन ईयर्स आफ्टर सिक्सटीन ईयर दोनों की एज में सिक्स प्लस कर देंगे तो सिक्स प्लस करेंगे तो एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा और सना की एज में सिक्स प्लस करेंगे तो वो एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर बन जाएगा अब गिवन कंडीशन ये है कि छः साल के बाद जो है सना की ऐज जो है वो मोना से डबल हो जाएगी तो जहरी सी बात है मोना की एज को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो सना की एज की इक्वल आएगी ठीक है तो यहाँ पे हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स प्लस ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है और इधर आ जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी फोर ये टू एक्स इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 24 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आकर ये भी क्या हो गया माइनस हो गया तो प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा अब ये माइनस जो है माइनस से कैंसिल आउट तो एक्स इज़ इक्वल टू ट्वेल्व आ गया अब हम कह सकते हैं कि मोना की एज जो है वो ट्वेल्व ईयर है ठीक है जी तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन है रेहान बाय अ बुक एंड अ पेन एंड पे फिफ्टी रुपीज़ फॉर बोथ रेहान ने एक पेन और एक बुक खरीदी है और उसने पचास रुपए दिए द बुक कास्ट एट रुपीज़ मोर दैन टवाइस द कास्ट ऑफ अ पेन जो बुक की प्राइस है वो प्रा, पेन से डबल और आठ रुपए ज़्यादा है फाइंड द कास्ट ऑफ अ बुक तो आपने बुक की जो है वो कास्ट फाइंड करनी है तो सिंपल सा क्वेश्चन है टोटल रुपीज़ कितने हैं फ़िफ्टी तो कास्ट ऑफ़ पेन हमारे पास एक्स है तो कास्ट ऑफ बुक क्या होगी एक पेन से डबल और आठ रुपए ज़्यादा तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्वल क्या आना चाहिए फिफ्टी आना चाहिए तो ये हमारे पास x प्लस टू एक्स प्लस एट इज़ इक्ल टू फिफ्टी तो x प्लस टू एक्स थ्री एक्स बन जाएगा ये एट इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे माइनस तो ये हमारे पास बन जाएगा थ्री एक्स इज़ इक्ल टू फिफ्टी माइनस एट फोर्टी टू अब ये फोर्टी टू ये थ्री इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो 42 टू बाय बाई थ्री इज इक्वल टू फोर्टीन तो अब कॉस्ट ऑफ अ बुक क्या है 2x एक्स प्लस एट एक्स की जगह पे 14 पुट करेंगे 14 टूज आर ट्वेंटी एट प्लस एट इज़ इक्वल टू थर्टी सिक्स रुपीज़ यानी कि बुक जो है उसे कितने की मिली है थर्टी सिक्स रुपीज़ की और फोर्टीन रुपीज़ का उसे क्या मिला है पेन मिला है इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इन अ ट्वेल्व ईयर एन मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द ही वॉज ट्वेल्व ईयर अगो फाइंड हिज प्रेजेंट एज वो कहते हैं कि 12 साल पहले जो एज थी 12 साल बाद एज जो है वो 12 साल पहले एज के डबल है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी एज जो है लेट मैन एज इज इक्वल टू एक्स आफ्टर 12 ईयर 12 साल बाद जो होगी एज इसकी x प्लस ट्वेल्व होगी लेकिन 12 ईयर अगो 12 year ago, साल पहले एज इसकी क्या बन जाएगी x माइनस ट्वेल्व ये याद रखना कि जब आफ्टर होगी तो ईयर्स uh, को प्लस किया जाता है और जब अगो होगी ईयर्स को माइनस किया जाता है अब कंडीशन ये है कि जो आफ्टर आएगी वो डबल होगी अगो से तो जहरी सी बात है अगो को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आफ्टर की इक्वल आएगी ठीक है तो टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस ट्वेल्व तो ये ट्वेंटी फोर इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स और टू एक्स माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा तो इस तरह मैन एज जो है वो अभी क्या है थर्टी सिक्स ईयर है ओके जी इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ गया जी एम सी क्यूज़ तो यहाँ पे एम सी क्यूज सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा व्हेन फोर इज़ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एन नंबर द रिजल्ट इज हाफ द नंबर फाइंड द नंबर वो कहते हैं कि अगर हम नंबर से जो है वो फोर सब्ट्रैक्ट करें तो उसका हाफ आता है तो नंबर बताएं तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है एक्स माइनस फोर करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा एक्स बाई टू आ जाएगा ये टू इधर डिवाइड दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस एट बन जाएगा अब एट को इधर लाएं और एक्स को इधर लाएं तो ये टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज वल टू एट आ जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या बन गया है एट ये फर्स्ट वाला पार्ट ओके जी इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर फोर आ जाएगा इसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट है वो कहता है जी फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो सारी स्टेटमेंट आपने पढ़ी हैं लीनियर इक्वेशन कैन नॉट हैव अ मोर देन वन वेरिएबल ये रॉन्ग है लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैव अ वन वेरिएबल ये भी रॉन्ग है इन लीनियर इक्वेशन वेरिएबल ऑलवेज़ हैज़ अ वन कोफिशेंट ये भी रॉन्ग है लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ ऑलवेज़ वन इक्वेशन में पावर जो है वो हमेशा वन होती है तो इस तरह ये जो है ये ट्रू है ठीक है जी डी वाला पार्ट इसके बाद वो कहते हैं कि इफ इन अ फाइव ईयर फॉर्म नो रोनी विल बी थ्राइस ओल्ड एज अ फाइव ईयर अगो वो कहते हैं कि आज से पाँच साल पहले और पाँच साल बाद जो है उसकी उम्र तीन टाइम हो जाती है आज से पाँच साल पहले तो बताएं कि उसकी उम्र अब क्या होगी तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हमारे पास ही इज आ टेन ईयर नाव ये भी दुरुस्त है अभी वो दस साल का है फाइव ईयर फ्राम नाव ही विल बी फिफ्टीन पाँच साल के बाद जो है इसकी उम्र क्या हो जाएगी फिफ्टीन हो जाएगी फाइव ईयर अगो ही वाज फाइव पाँच साल पहले इसकी उम्र क्या थी पाँच साल थी आल ऑफ अबव आर आ ट्रू तो ये तीनों जो हैं ऊपर वाली वैल्यू ये ट्रू हैं ओके okay, स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ इन नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर नाइन ले टेन लेकर आएंगे और आई होप कि आपको एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी अगर किसी क्वेश्चन में समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को विजिट करें और मुझसे डिस्कस करें इन आपको क्लियर हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें अल्लाह हाफेज़